सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत आप सभी करते हैं फ्रेश वीडियो में। आज मैं लेके आया बहुत सारे न्यूज शर्मा सॉफ्ट सर्वे न्यूज की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज की पहले जो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी S10 लेके आने वाला अपना नया वेरिएंट जो कि आएगा सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस। मेरे ख्याल से आएगा इसमें Snapdragon 850 प्रोसेसर, देखते हैं क्या बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से 5G सपोर्टेड तो होगा ये प्रोसेसर, बाकी देखते हैं क्या वेरिएंट में क्या रहेगा। 18:9 रेशो में आएगा या 19:9 रेशो में आएगा, कुछ अलग करेगा क्या, बढ़िया लेके आएंगे क्या, बढ़िया नहीं लेके आएंगे क्या, डिफरेंट करेंगे इस बार ये देखते हैं। बने रहे हमारे साथ, मैं इसी तरह लेके आऊँ आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी S10, देखते हैं क्या बढ़िया करेगा इस बार। कैमरे वगैरह में क्या देखते हैं, कैमरा लाता है क्या, कैमरे लाता है देखते हैं, वेट करते हैं। और क्या आप इंटरेस्टेड है सैमसंग गैलेक्सी S10 में या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। कमिंग आ रही है सैमसंग गैलेक्सी J4+ और J6+ की तरफ से। तो ये दो नए वेरिएंट आने वाले हैं जो वो इस बार कुछ अलग करेंगे इस वेरिएंट में। इस वेरिएंट में कह रहे हैं कि J4+ और J6+ में शायद साइड में होगा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, अलग ही है थोड़ा बहुत। सोनी का मैंने फ़ोन यूज़ किया था उसके जैसा है, साइड कैसा रहेगा देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं, मेरे को जुड़ता कमेंट सेक्शन में। कैसे लगा इसके बारे में सुन के, क्या इंटरेस्टेड है ऐसे स्पोर्ट टाइप में हो जाएगा, थोड़ा अलग डिज़ाइन में देखते हैं कैसा चलता है या नहीं चलता। आप मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में क्या वेट कर रहे हैं ऐसे फोन का, कुछ साइड सेंसर आपने ये ऐसा कर किया है या नहीं किया, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। किया है तो आपको कैसा लगा, नहीं किया तो आप करना चाहते हैं या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। टोटलिंग आ रही है यहाँ शोमी की तरफ से, शोमी Redmi 6 Pro Note 6 Pro, देखते क्या लेके आएगा। वैसे प्राइसिंग वगैरह तो नहीं हुई, मगर अगर बाकी चीज़ ले 636 प्रोसेसर होगा, मतलब सेम 6 Pro जैसा। और नोट डिज़ाइन है, चलिए बात अगर 19:9 रेशो में आएगा। और 32GB भी वेरियंट होगा इसका एक, और 64GB भी वेरियंट होगा, देखते कैसा रहता है और क्या प्राइसिंग रहती है। प्राइसिंग सही होगी तभी थोड़ा बहुत चलेगा उसके चक्कर में, फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं, मैं भी जरूरत है कमीशन में। आपको कैसे लगे इसके बारे में सोचते, क्या वेट कर रहे हैं नोट 6 प्रो का, शायद सेम होगी दोनों चीज़ें, बाकी फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं, जब आएगा कभी तो उसको या कैसा लगता है, क्या वेट कर रहे हैं नोट 6 प्रो का, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ निकोन की तरफ से, निकोन Z7 और Z6, ये दो वेरिएंट आने वाले हैं कैमरा के, तो देखते क्या रहता है। वैसे Z6 और Z7 की, अगर Z7 की बात करें हम पहले, तो Z7 की प्राइसिंग कुछ बैठेगी, फर्स्ट जो खाली बॉडी की प्राइसिंग होगी वो 2,69,950। और Z7 के साथ अगर आप कैमरे वगैरह लेते हैं माउंटेड वगैरह, तो उसकी प्राइसिंग 3,26,000 कुछ ऐसे कुछ पड़ेगी। और अगर देखा जाए तो Z6 की, तो Z6 की प्राइसिंग 1,69,950, मतलब। और अगर आप माउंट वगैरह लेंगे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पड़ेगा, बाकी फिर भी देखते क्या रहता है क्या बढ़िया होगा इनमें। कैमरे में कुछ अलग लेके आएंगे इस बार, ये कह रहे काफ़ी बढ़िया कैमरा होगा, अगर रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे फोटो शूट के लिए काफ़ी बढ़िया कैमरा माना जाएगा। ये मेन इसके फीचर्स होंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के, स्टेबलाइजर वगैरह काफ़ी बढ़िया कहा जा रहा है इसका, फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में। क्या आपने कभी इतने महंगे कैमरे परचेज किए हैं तो आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड है ऐसे ऐसे कैमरों के लिए, मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या आप फीचर्स पता नहीं है और कुछ जानना चाहते हैं, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में। टोकनिंग आ रही है गूगल की तरफ से, गूगल वन लेके आ रहा है गूगल वन क्लाउड स्टोरेज। तो इसमें आपकी सारी चीज़ें सेव हो जाएगी, आपके फ़ोटोज़ वगैरह से लेके आपके वीडियोस और आपके मैसेजेस, टोन कॉन्टैक्ट पहले भी आप सेव कर सकते हैं, मगर आप डायरेक्टली एक क्लाउड स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगी। आप ले सकते हैं, इसको खरीद भी सकते हैं, इसका प्लान वगैरह फ्री आपको मिलेगी 15GB इसके अंदर, काफ़ी रहेगा 15GB आपके लिए। और बाकी देखते क्या क्या बढ़िया होगा इसमें फीचर्स में, धीरे धीरे अपडेट तो आती रहेगी। अभी तो लॉन्च करना है इंडिया में, बहुत जल्द ही हो जाएगा लॉन्च,
तो मेरे को जरूर बताया कि आप वेट कर रहे हैं ऐसे किसी स्टोरेज ड्राइव का, जैसे आप एम आई क्लाउड वगैरह में स्टोर कर देते हैं, अब ऐसी गूगल क्लाउड भी आ चुका है इंडिया में। चौधरी आनी है शोमी की तरफ से, शोमी लेके आने वाला है MI 8U जो कि अगर स्नैपड्रैगन 63 प्रोसेसर के साथ, तो देखते हैं क्या बढ़िया रहेगा। इसके अंदर एडेनो 501 GPU, 3350 mAh बैटरी होगी, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आपको साइड में, मतलब वही जैसे J4+ का भी पटाया, मतलब कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें देखते हैं क्या बढ़िया रहेगा और क्या प्राइसिंग रहती है। प्राइसिंग अगर मेरे को बढ़िया मिली 15,000 के अराउंड कुछ प्राइसिंग बैठनी चाहिए, फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं। इंडिया में मतलब जो है वेट करें बस, थोड़ा सा आने वाला है बहुत जल्द ही MI 8U। कॉलिंग आ रही है यहाँ जियो फोन की तरफ से, जियो फोन की सेल थी आज, क्या आपने परचेज किया है नहीं किया। और जियो फोन में एक और नई अपडेट आई है कि जियो फोन में आप यूट्यूब ऐप आ चुका है, आप जाके डाउनलोड करें यूट्यूब ऐप को अपने जियो फोन में और इंस्टॉल करके सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर देखें वीडियो सारी और मजे उठाए यूट्यूब का जियो फोन। तो आज की अगली न्यूज़ आ रही है OnePlus 60 की तरफ से, OnePlus 60 कुछ कमाल करने वाला है इस बार, ये मैं बता नहीं सकता मगर वेट करें, कुछ बढ़िया लेके आने वाला है इस बार OnePlus 60, कुछ डिफरेंस करेगा, बस वेट करें। और क्या कुछ वो कर रहे हैं कैमरे में भी करने वाला है कुछ, और फिंगरप्रिंट वगैरह में, और जो अनलॉक का है उसमें कुछ सिस्टम और बढ़िया करेगा, बस वेट करें और देखते हैं क्या बढ़िया लेके आएगा इस बार। ये नोच होएगा डिज़ाइन वही वाटर डॉप नोच, बाकी वेट करें बस थोड़ा सा और आपको पता चल जाएगा क्या बढ़िया लेके आने वाला है इस बार ये OnePlus 60। तो आज की लास्ट न्यूज़ है एप्पल की तरफ से, एप्पल iOS 12.1 का बीटा वर्जन का अपडेट हो गया है रिलीज। क्या आपने अपडेट किया है वैसे, अभी तक तो 12 अपडेट कर रहे हो, 12 के बाद बीटा, मेरे को जरूर बताया। इसमें काफ़ी सारे नए फीचर आए, सबका वन प्लस बीटा अपडेट हो गया, कई नए नए फीचर आए जैसे कि ग्रुप फेस टाइम आ गया है, और भी कई कई नए फीचर आपको मिलेंगे, और थोड़े बहुत अगर बग्स आपको 12 में मिले तो वो सारे फिक्स हो जाएंगे। मेरे को जरूर बताया कि आपने 12 अपडेट किया है, 12 अपडेट किया है तो 0.1 का वेट करें, और मेरे को बताया कि 0.1 से कुछ आपको रिलीफ मिला है या नहीं। तो आज के लिए नहीं, अगले बार मिलेगी अच्छी वीडियो और अच्छी न्यूज़ और अच्छी प्रोग्राम बातचीत। तो चलता हूँ अब मैं, टाटा बाय बाय सायनारा, इस तरह बने रहना साथ, तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें शर्मा साहब चैनल को, इस तरह बने रहना साथ, इस तरह लेके आता रहूँगा।